हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि जर्मनी में ग्रोसरी का क्या प्राइस होता है, मतलब जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें होती है ना, जैसे दूध दही वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उन सब का प्राइस बताऊँगा कि भाई कितना होता है यहाँ पर। और लास्ट में ये भी बताऊँगा कि मेरा मंथली एक्सपेंस कितना चला जाता है, मतलब जो मैं पूरे महीने में ख़रीदता हूँ ना चीज़ें ग्रोसरी की, उन सबको टोटल करके देखेंगे कि कितना बनता है और बताऊँगा कितना मेरा खर्चा चला जाता है मंथली का। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देख लेना, पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा एकदम बढ़िया। तो अभी यहाँ पर ना मैं लिडिल में जाने वाला हूँ, क्योंकि लिडिल जो है ना मतलब सबसे सस्ता कह सकते हैं उसको। यहाँ पर ना कई सारी स्टोर्स होती हैं सुपरमार्केट, जैसे लिडिल, देवे, आल्डी, एडेका, पैनी, इन सब में सबसे सस्ता ही पैनी और लिडिल होता है। तो उसमें दिखाऊँगा, रेवे सबसे महंगा होता है, आल्डी मीडियम होता है। वैसे सारी में ना सब में सेम सही होता है, जो रोज रोज़ की चीज़ें होती हैं जैसे दूध दही वगैरह सब सेम होती हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो ऊपर नीचे होती हैं। तो इस वीडियो में दिखाऊंगा लिडिल। तो भाई ये आ गया सामने लिडिल, और यहाँ पर है मेरे पास थैले में कुछ बोटल्स वगैरह, उनको भी मैं मतलब यहाँ पर मशीन होती है उसके अंदर डालने के बाद ना एक बोतल का 25 सेंट्स मिलता है, तो वो दिखाऊंगा। वो ना रिसाइकिल होती है, जैसे हम लेते हैं ना तो ये पहले ही हमसे 25 सेंट्स एक्स्ट्रा ले लेते हैं, फिर जब हम वापस करते हैं तो हमें वो मिल जाते हैं वापस, और जब हम बिल कराते हैं तो उसको दिखा के जितने के भी हैं वो कम हो जाते हैं प्राइस। तो ये देख लो भाई, ये है लिडिल। अभी सबसे पहले दिखाऊँगा ये बोतल वाला सीन, फिर दिखाऊँगा प्राइजेस क्या सिस्टम है। तो ये रहा अंदर, और भाई वेदर देख लो एक बार, हो रहा है ना टाइम। यहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है देखो 7 से 21, इसका मतलब है कि 9 बजे तक खुलता है ये, और जो आरडी होता है वो 8 बजे तक खुलता है, और जो रेवे होता है वो खुलता है 10 बजे तक सबसे एंड तक, और ये 9 बजे तक। वैसे अभी 8 बज चुके हैं तो आरडी बंद हो चुका है लिडिल। मैं दिखाता हूँ, ये है लिडिल में बोतल और रिसाइकिल वाला सीन। अभी पहले ये कर देते हैं, ये रही मशीन पूरी, अभी इसमें से एक एक बोतल निकाल के इसमें डाल देते हैं। जैसे ये है ना भाई, सीधी डाल दो बस, सिंपल है। यहाँ से आ जाएगी एक पर्ची, ये दबाने के बाद ये आ गई एक पर्ची, से लेके फिर कर देंगे वापस। और जा गेट भाई, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पर फ्रूट्स। भाई ये 2 kg के एप्पल्स, ये इनका प्राइस है 3 euro 29 cents, और ये दूसरे वाले हैं ये भी 2 kg के हैं लेकिन इसका प्राइस है 289। ये रहे, मतलब अलग अलग टाइप के हैं। और अभी यहाँ पर ये है बनाना, पर इस पर भी चल रहा है अभी डिस्काउंट, तो ये 1 euro 9 cents का था लेकिन 54 सेंट का मिल रहा है। और अलग अलग टाइप के हैं, ये बेबी बनाना, बेबी बनाना कौन सा भाई। तो अभी पहले मैं दिखा देता हूँ फिर लूँगा जो मेरे को लेना है। भाई ये आज सैटरडे है ना, सैटरडे को थोड़ा डिस्काउंट चलता है, पर देखो सारे डिस्काउंटेड है, तो नॉर्मली ये वाला प्राइस होता है लेकिन आज सैटरडे है तो ये वाला है। तो मेन में जैसे ये रे भाई टमाटर, 1 मिनट आंटी को जान दो फिर दिखाऊँगा। और यहाँ पर कैरेट के प्राइस दिखाऊँ, ये है 1 kg 1 euro 29 cents। भाई जितने भी प्राइस बताऊँगा ना मैं नीचे लिख दूँगा कि कन्वर्ट करके कितना होता है, वैसे तो यार यूरो का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है तो एक बार समझ जाओगे। वैसे 84 समथिंग है अभी तो यूरो। तो दिखाता हूँ, और यहाँ पर मशीन भी अगर जैसे वेट करना हो ना, तो भाई ये रहा। तो हमें जो डेली यूज़ की चीज़ होती है ना, जैसे सब्जी बनाने में टमाटर वमाटर, ये सब दिखा देता हूँ पहले मैं। ये रहा भाई, ये वाले टमाटर देता हूँ मैं, ये 1 euro 19 cents के हैं। ये वाला ये होता है आधे किलो, मतलब 500। भाई एक बार ना यहाँ पर टमाटर देखो कितने तरह के हैं, ये बच्चे, ये थोड़े बड़े, और ये उनसे भी बड़े, और ये उनके पापा, देख लो कितने सारे हैं। और ये अलग हैं, तो बहुत सारे हैं यार, और ये छोटे वाले कितने सारे हैं, लेकिन नॉर्मली ये वाले यूज होते हैं।
यहाँ पर ब्रेड भी ना बहुत टाइप के होते हैं, तो देख सकते हो ये वाला ऐसे वैसे मैं ये वाला ले आता हूँ 1 यूरो 19 सेंट का, क्योंकि सबसे सही यही वाला है। और इस साइड भी ब्रेड ही ब्रेड है, देख सकते हो। तो भाई ब्रेड तो दिखा दिया, ब्रेड के साथ जैम भी दिखा देता हूँ। ये सारे जैम हैं 1 यूरो 29 सेंट्स के, ये देख सकते हो भाई। यहाँ पर रखे हुए हैं सारे अपने जूस वगैरह, जैसे साफ मतलब जूस, तो इन सब का प्राइस है 70 सेंट्स, और प्लस वही 25 सेंट मैंने 25 सेंट्स बताया था ना फंड का, वो जो वापस हो जाते हैं ये सारे जूसेस हैं। और ये है पता नहीं एप्पल जूस है ये, हाँ 85 सेंट का एप्पल जूस। और ये सारे ये क्रैनबेरी जूस और ये सारी जूस हैं, और ऑरेंज साफ मतलब ऑरेंज जूस। और ये पानी की बोतल है मिनरल वाटर, हाँ ये 3 यूरो का, और ये अलग अलग प्राइस हैं 2 यूरो 50 सेंट्स का है। पर भाई इनको अगर कोई वेजिटेरियन है तो देख के लेना, क्योंकि इनमें ना पता नहीं क्या क्या पिग विग होता है, मतलब पोर्क वगैरह, पोर्क चिकन विकन कोई वेजी। और ये है सलामी पिज़्ज़ा, ये 360 का भाई, यही सब है फ्रोज़न फूड में। तो और एक बार इसे देखो, ये क्या है पता नहीं भाई, क्या क्या रख रखते हैं ये भाई। ये है अपना चिकन विकन वाला सेक्शन, ये यहाँ पर है फ़िश वाला, ये बनी हुई है ना फ़िश, तो इससे पता लग जाएगा कौन सा यहाँ पर है। ये वो ये समझ जाओ। और ये यहाँ से होता है चिकन वाला, चिकन को यहाँ पर बोलते हैं हेंशन, चिकन वाला सबसे बड़ा है भाई यहाँ से यहाँ तक। इसके प्राइजेस दिखाऊँ, चिकन के प्राइजेस हैं जैसे कि ये है भाई, ये 4 यूरो का है, डिस्काउंटेड है वैसे 5 यूरो है। और ये है 10 यूरो का भी है, अलग अलग चीज़ें हैं मतलब। और यहाँ पर है ये 329 का भी है, पता नहीं नूडल्स से बनाए हुए हैं चिकन के नूडल्स। और ये भी जो भी होता है ये 329 का है, ये 250 का है, ये 6 यूरो का है। और ये दिखाऊँ, ये तो पता नहीं वैसे इंडिया में तो मैंने देखा नहीं कौन खाता होगा, खाते भी होंगे तो ये देख लो भाई, अब मेरे को नहीं पता कौन कौन से वो है। और ये वाला है अपना फ़िश का, फिश वो भाई, ये तो सीधी पानी में से निकाल के रख दी मछली। और अब दिखाऊँ भाई ये वाला देख लो यार, इसे कौन खाता है यार, ये तो मेरे को स्वीट से लगता है, बेचारा पाउच बना के और रहता है, इसको भी खा जाते हैं ये लोग, कैसे खा जाते हैं यार ये लोग भाई। एक बार हेंशन में ये देखो, मतलब चिकन वाले सेक्शन में ये पूरा मुर्गा ही लिटा रखा है भाई, जिंदा जिंदा मुर्गा लिटाया हुआ है भाई। एक और चीज़ दिखाऊँ, यहीं पर मिल जाती है ये सारी चीज़ें, ये वाइन वाइन बियर वियर जो भी होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता, तो यहीं पर मिल जाता है सारा सामान, ठेका वेका नहीं होता यहाँ पर, ग्रोसरी स्टोर में दे दिया सब चीज़। एक बार इसका कलर देखो, क्या क्या कलर कलर की है भाई, पानी भाई कौन कौन सी है। और ये है सारी पास्ता सॉस, ये सारी पेस्टो वेस्टो पास्ता सॉस, पास्ता सॉस का प्राइस है 89 सेंट्स। और भाई यहाँ पर अपने राइस, राइस बहुत ज़रूरी है, ये है 2 यूरोस के, ये है भाई बासमती राइस, एक ये है जैस्मिन राइस, मैं तो बासमती लेता हूँ, बासमती वाला ज़्यादा सही बनता है। और यही सब है, ये भी वही पास्ता सॉस वगैरह सेम प्राइस की है। और चीज़ वगैरह तो मैंने दिखाई दी थी, अभी आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ। ये ऑयल वगैरह है सारे, इसे चिल्ला दो पहले भाई। ये रहे एग्स, ये जो 10x वाला पैकेट होता है ना, उसका प्राइस है 2 यूरो मतलब हो गया कोई 170 समथिंग, मतलब इतना ही है आसपास, ठीक है। तो ये हो गया, एक 18 वाला भी आता है, 18x होते हैं जिसमें, मैं वो वाला लेता हूँ, वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है इन्होंने, आज छुपा दिया क्या भाई। ये अपनी योगर्ट मतलब कि दही, ये है दही 49 सेंट्स की है दही, इसमें अलग अलग टाइप की आती है, एक होती है 1.5% फैट वाली, और एक होती है 3.5% वाली होती है 55 सेंट्स की भाई। इस साइड रखे हुए अपने मिल्क, ये रहा फ्रेश मिल्क,
तो इसका प्राइस है 80 सेंट्स। ये इसमें भी अलग अलग होते हैं, एक 1.5% फैट वाला, एक 3.5% फैट वाले का है 88 सेंट्स। और ये रहा बटर, ये वाला बटर देख लो भाई, 2.49, मतलब 2 यूरो 50 सेंट्स। ठीक है, ये वाला बटर है। और मैंने योगर्ट तो दिखाई दिया, और मिल्क शेक वगैरह दिखाऊँ, ये रहा 79 सेंट्स, और 1 लीटर वाला है 1.49 यूरो। ये रही भाई चीज़, यहाँ पे बहुत सारे बहुत तरह की चीज़ हैं। एक तो ये 149 की, ये बीओ वाली होती है ना, ये वाली, ये महंगी होती है, ये तो मैं लेता नहीं कभी। ये कोला, ये है 45 सेंट्स की, लेकिन वही 25 फान। ये कोको कोला का है 125। ये कोको कोला ज़ीरो, पेप्सी ज़ीरो शायद, हाँ कोको कोला ज़ीरो। ये चिप्स वगैरह हैं, ये सब है चिप्स वगैरह का। वैसे मैंने डेली नीड की चीज़ें तो दिखाई दी हैं, जो भी होती हैं। ये ओरियो वगैरह 130 के, और ब्रेड वगैरह भी दिखाई दिए मैंने, यही है बस भाई। ले लिया मैंने सामान वामान, अब बस निकलते हैं घर। और मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीज़ें दिखाई दी हैं, और अगर कुछ रह गया तो फिर से बोल रहा हूँ भाई, कमेंट में पूछ लेना, उसका भी बता दूँगा जो भी होगा। वैसे अभी पता है 9 बजने वाले हैं, मतलब 5-10 मिनट में 9 ही बज जाएंगे। और एक बार वेदर देख लो, रात हुई नहीं है अभी तक, क्योंकि यहाँ पर भाई रात भी होती है, 9:30-10 बजे सनसेट होता है यहाँ पर। अजीब है थोड़ा हमारे लिए तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई 7 बजे हो जाता है, 7, 6:30, 7, तो यहाँ पर तो 10 बजे तक भाई बहुत ही अजीब है। और सुबह सुबह हो जाती है मॉर्निंग 5:30-6 बजे, तो बस पूरे दिन मेरे को तो सूरज ही दिखता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ ना इसलिए। अभी मैं बताता हूँ अपना ना मंथली एक्सपेंस, बताता हूँ कि कितना चला जाता है, मतलब मैं शुरू से लेके मंथ के शुरू से लेके कैलकुलेट करूंगा और एंड तक कि मेरा कितना चला जाता है। अभी जैसे मई चल रहा है, तो मैं अप्रैल का और मार्च का मैंने कैलकुलेट किया है, उसका बताता हूँ दोनों का कि क्या कितना बैठा। तो भाई मार्च में मेरा कुछ 70 यूरोस के अराउंड आया था पूरा कैलकुलेट करके, और अप्रैल में आया है 80 यूरोस के करीब। तो उससे आइडिया लग सकता है कि हाँ, मतलब इतना ही पहुँचता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही 70-80 के अराउंड पहुँचता है। और हो सकता है किसी किसी का 100 पहुँचे, किसी किसी का और भी कम हो जाए, 50-60 भी पहुंच सकता है। तो मेरा इतना पहुंचा था, समझ गया ना, आइडिया तो हो ही गया होगा कि कितना पहुंच जाता है एक महीने में। और भाई दूसरी बात कि मैं पहली बार ऐसे वीडियो बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा ऐसे होता है, कर नहीं पाते पहली बार। भाई धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा इसमें, तो मैं भी बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पहली बार ऐसे कैमरा में ऐसे वीडियो बनाई है। भाई यही सब था बस इस वीडियो में, आई होप इस वीडियो से कुछ नॉलेज तो मिली होगी, कुछ तो पता ही लगा होएगा। तो इस वीडियो को कर देना लाइक, और अगर मिली हो तो नॉलेज, नहीं भी मिली तो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसी वीडियोस और भी चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।